वन रेशन कार्ड, ये अस्का से लाखों युवा देश भर में रोजगारी के लिए जाते, उनको वहां सस्ता अनाज, मुफ्त अनाज मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलो, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मोदी जी वन नेशन कार्ड लाए, पत्नी यहां अनाज ले ले, पति वहां अनाज ले ले, माँ बाप यहां अनाज ले ले, बेटा गुजरात में मुंबई में जहां है ले ले, मगर नवीन बाबू वन नेशन कार्ड नहीं करते हैं, क्योंकि बेटे का जो अनाज बचा है ना, बेटे का वो चाव करने के लिए इनके अफसर बैठे हैं। मैं आज कहकर जाता हूं, 1 तारीख को परिणाम आते ही भाजपा सरकार वन नेशन वन रेशन कार्ड को लागू करने का काम करेगी। लागू करने का, भाइयों बहनों, आज गांव-गांव में पानी की समस्या है, इसलिए नवीन बाबू का विरोध हो रहा है। गांव-गांव में बिजली की समस्या है, इसलिए नवीन बाबू का विरोध हो रहा है। सड़क नहीं है, इसलिए विरोध हो रहा है। बेरोजगारी के कारण पलायन है, इसलिए विरोध हो रहा है। मैं आपको कहता हूं, सालों से आपने नवीन बाबू को बिठाया, 5 साल भाजपा को दे दीजिए, ओडिशा से किसी बेटे को ओडिशा के बाहर रोजगारी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, ये गन्ना का क्षेत्र है, पानी के अभाव में गन्ना नहीं होता है, गन्ना मिले बंद हो गई। मैं आपको कहता हूं, ओडिशा में पानी के भंडार है, इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिंचाई की व्यवस्था करेगी, इथेनॉल के कारखाने डालेगी और कोऑपरेटिव बेसिस पर गन्ना मिल बनाकर सब गन्ना के किसानों को समृद्ध करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी।